नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। टैप स्वैप वॉलेट कनेक्ट करो और अपनी माइनिंग को डबल करो। एक धमाकेदार जो है अपडेट निकल के आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। दूसरा हेमेस्टर कॉम्बैक्ट, कहीं ना कहीं इसमें भी डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त वाले चल रहे हैं। और इसके बाद आपकी छोटी छोटी अपडेट है आपकी लॉइन टोकन एथिन नेटवर्क और आपका आइस नेटवर्क, क्या क्या अपडेट हुए हैं चलिए सबको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले लेते हैं टैप स्वैप को कि रात अचानक से इन्होंने कल शाम से ही एक अपडेट देना शुरू किया अपने बोर्ड पर, यानी कि जहां पर हम माइनिंग कर रहे हैं, ये जो टी लिखा था जहां हम टैप टैप करते हैं, यहां पर एक आपको 2x का एक पॉपअप आने लगा, उसी के आगे 2x लिखा हुआ आने लगा। ये 2x क्या था एक्चुअली, देखिए 2x के लिए इन्होंने, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाऊं। 2x में इन्होंने, देखिए पहले कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट इनके ट्विटर पर नहीं था, मैंने इसको देखिए आपको रात को ही शेयर कर देता, लेकिन पहले वेरीफाई होना चाह रहा था, लेकिन मुझे कहीं से ऐसी अपडेट नहीं मिली जिससे मैं ये आपको कह सकूं हाँ यहाँ इस जगह से ये वेरीफाइड था। भाई हम इनके ट्विटर अकाउंट पर गए और वहां पर हमने देखा कहीं भी इस टाइप का कोई भी कमेंट इनके ट्विटर पर उस टाइम नहीं मिला। रात को 10 बजे तक भी मैंने इसका वेट किया, लेकिन मुझे शायद ट्विटर पर अपडेट करें तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज़ शेयर करूं। लेकिन देखिए बगैर वेरीफाई किए आपके सामने शेयर कर देना, वॉलेट को कनेक्ट करा देना, ये तो खाम का रिस्की मामला हो जाता, इसलिए मैंने आपको ये शेयर नहीं किया। जब सुबह भी देखा तो सुबह वो चीज गायब थी, यानी जो 2x आपका लिखा हुआ था बोर्ड से वो हट चुका था। अब ये तो था सीन सारा बैकग्राउंड का। अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता तो मैं आपके सामने रात को ही ये ट्विटर या टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं आपको अपडेट जरूर देता, लेकिन मैंने इसको कहीं भी शेयर इसीलिए नहीं किया। अब इसमें था क्या, देखिए ये 2x का था, 2x से जब इन्होंने कुछ क्लियर किया ही नहीं कि ये हमारा माइनिंग स्पीड को डबल करेगा या जो हमारा टोटल बैलेंस है उसको डबल करेगा, नहीं पता। अब जिसने, भाई देखिए मैंने तो नहीं लिया था और नहीं मैंने आपके सामने इस चीज को रखा था, तो अगर किसी ने इसको परचेज किया, हाँ यहां पर आपको परचेज करना था, ये आपको 0.5 यानी कि टोन में आपको देने थे, आपको टोन देना था। अब 0.5 टोन आपका आज की डेट में मान लीजिए $7 के आसपास का चल रहा है, यानी कि आधा टोन आपको देना था। अब आधा टोन देख लीजिए अपन कितने रुपए का आपका बनता है, भाई आज की रेट में $7 है और आधा डॉलर आपको देना है तो आपका तो भाई 250-300 का चपत लग जाती। खैर जो भी है भाई, अब जिन्होंने लिया है उस टाइम पे तो आपका क्या डबल हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं ट्विटर या टेलीग्राम पर जहां भी आपको ठीक लगे, जिसने परचेज किया था। तो भाई यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, इस तरीके से जल्दीबाजी में आप कहीं भी वॉलेट को कनेक्ट ना किया करें, क्योंकि देखिए आजकल कुछ भी हो सकता है, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा कि कौन सा फेयर है। देखिए प्रोजेक्ट हैं, आ रहे हैं, मार्केट में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, हम लोग भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ना मालूम कौन सा ठीक निकला है। नॉट कॉइन जो बहुत ही तारीफ के काबिल है भाई, ऐसे भी निकल आते हैं, लेकिन अचानक से ये समझो होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका पैदा करता है। आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं, भाई अगर सब कुछ ठीक था तो आपको ऑफिशियली आके अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि भाई इस तरीके से हम 2x का ऑप्शन लेके आ रहे हैं और आप जो है इतना टोन पे कीजिए, उसके बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ऑफिशियली इस तरह का कुछ था नहीं। अब आते हैं हेमेस्टर कॉम्बैट। देखिए हेमेस्टर स्टार्टिंग में जब आप ऐप खोलते हैं तो इसमें देखिए आपको स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पर ही नजर आ जाता है कि ये टोन के साथ इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है और टोन पर ही ये आने हैं, यानी कि इनका पहले से ही डिसाइड है। टैप की तरह नहीं है कि पहले ये सोलाना पे आ रहे थे, इन्होंने बाका था फैंटम कनेक्ट भी करा दिया था, लेकिन अब फेमेस्टर का स्टार्टिंग से ही क्लियर चल रहा है कि भाई वो टोन पर ही आएंगे। तो देखते हैं भाई, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, माइनिंग भी सही सलामत चली रही है और आपको जो इसमें कॉम्बो का जो ऑप्शन आता है 5 मिलियन टोकन मिलने का, वो आपको मैं प्रोवाइड करा ही देता हूं। तो उसके लिए आप ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो मस्ट है। टेलीग्राम आप देख रहे हैं साइड में, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको कॉम्बो का ऑप्शन तुरंत पता चले कि आपको कौन कौन से आपको सेलेक्ट करने हैं, फालतू को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिसने अभी तक टैप स्वैप और हेमेस्टर कॉम्बैट को ज्वाइन नहीं किया है तो वह मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको ट्विटर टेलीग्राम का भी और दोनों का, टैप स्वैप का और हेमेस्टर कॉम्बैट का, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ट्विटर टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो जहां से भी आप चाहें दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है एथिन नेटवर्क का लॉइन टोकन जो कल आया। तो मेरे भाई देखो, जब तक प्रोजेक्ट ठीक चलता है, जब तक प्रोजेक्ट में थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है, जब तक प्रोजेक्ट में लगता है कि ये कम्युनिटी को चीट नहीं कर रहे, तब तक देखिए मैं ज्यादा उनको कुछ बोलता नहीं हूं। लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ ये कम्युनिटी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो देखिए फिर मैं खिंचाई करने से भी चूकता नहीं हूं। कल जब ये लॉइन का प्राइस एक तरह से लॉन्च हुआ, लॉइन जब मार्केट में आया,
तो देखिए मैंने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी लोन के बारे में ज्यादा कुछ बोला ट्विटर पे जाके। मैंने स्पेशली उनको देखिए पूरा ये एक आर्टिकल लिख के उनको दिया कि भाई इथेरियम पर लाने की जरूरत क्या थी, जब आपके सामने बीएनबी है, सोलाना है, टोन है, इन पर किसी पर लेके आते, इथेरियम पर क्या जरूरत थी लाने की मेरे भाई। और जितने भी आपको प्रीमियम सेल कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी लोन के बारे में नहीं बोला, लेकिन मैंने फिर भी बोला टीम को, और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आपके स्कैमर्स के दिया। तो भाई कम से कम जब तक ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब खराब कोई चीज कर रहा है तब तो बोलो। मैं तो इंडियन कम्युनिटी जो यूट्यूबर हैं उन सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि भाई जब कोई प्रोजेक्ट गलत कर रहा है, कम्युनिटी को चीट कर रहा है, तब तो आके खुल के बोलो सामने। तो भाई कोई भी नहीं बोलता, तो भाई ऐसे तो फिर उनको चीट करने का पूरा अधिकार है, वो तो करेंगे बेईमानी भाई, और हम लोग ठगने के लिए तैयार हैं, बस यही हो सकता है, क्योंकि बोलते ही नहीं लोग आके, बोलना चाहिए। तो मैंने तो देखो लोन के बारे में बोला कि भाई आपने ये बहुत गलत किया है, ये करना नहीं चाहिए था आपको, और जिसको यकीन नहीं हो रहा तो मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिए कि मैंने क्या बोला, ये दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट साइड में। तो ये तो हुआ लोइन का मेरे भाई। अब एथिन में कोई भी प्रीमियम, किसी भी तरह का प्रीमियम आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको बोले, क्योंकि यूट्यूबर कोई भी आपका सगा नहीं है भाई, मैं भी उसी में शामिल हूं, आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, इतनी खरी भाषा कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पर आगे, कोई सगा नहीं है भाई, आप अपना वो कहता है अपने पैसे का ख्याल रखिए। तो प्रीमियम किसी के अभी लेने की जरूरत नहीं है एथिन नेटवर्क में, जो हो गया हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं आइस नेटवर्क पर। आइस नेटवर्क में साहब कुछ मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आप भी शायद नोटिस कर रहे होंगे कि इनका कोई अपडेट ही नहीं आ रहा, बहुत दिनों से देख रहे हैं, ट्विटर पे भी कोई अपडेट नहीं दे रहे थे ये। आज मैंने इनका ट्विटर अकाउंट चेक किया तो मैंने पाया कि उसमें जो इनका ज्यूस था, यानी कि जो आइस का फाउंडर था, आइस नेटवर्क ने उसको ही अनफॉलो कर दिया। तो जब उसको अनफॉलो कर दिया, मैंने चेक किया, मैं कि जो बंदा आइस को लेके आया, जो इसका हिस्सेदार था, जो इसका फाउंडर था, उसी को आइस नेटवर्क फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कोई एक नया ये हेड बना के लाए थे, क्या OXDDemon करके कुछ है, तो उसको इन्होंने हेड बनाया था अभी 2-4-5 दिन पहले, तो तब भी थोड़ा सा दिमाग में यह है कि यार जब ऑलरेडी आइस फाउंडर जीयूस है तो फिर ये हेड दूसरा क्यों बनाया गया। आज वो चीज यहां पर मुझे कंफर्म हुई कि आज जीयूस को इन्होंने जब अनफॉलो कर दिया तो लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, यानी बैकग्राउंड में। मैंने उठा के कमेंट कर दिया ट्विटर पर, इनको पूछा भाई क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये आप साइड में कमेंट देख सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आपने जो आइस का फाउंडर है जीयूस उसी को अनफॉलो कर दिया है ट्विटर पर, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट को एक बार ट्विटर के जरिए बताइए तो सही कि आखिर बैकग्राउंड में चल क्या रहा है आइस के। तो मेरे भाई उन्होंने उठा के मुझे ही ब्लॉक मार दिया। ये है साहब आइस वाले कि सही बात इनको भी हजम नहीं हुई, क्योंकि भाई कोई देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों को होती है, और आगे ट्विटर पर तो कोई बोलता ही नहीं है, क्यों, उनको पता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहता हो जाए तो हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आइस नेटवर्क ने मुझे ही अनफॉलो कर दिया, मुझे ही ब्लॉक मार दिया, जबकि आइस नेटवर्क मुझे फॉलो करता था, और जब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपने जो फाउंडर था उसी को अनफॉलो कर दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है प्रोजेक्ट में, उन्होंने उठा के मुझे ब्लॉक कर दिया। तो भाई अब आगे क्या है, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे तो अब उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया, तो मैं तो आइस से कुछ पूछ भी नहीं सकता। इसलिए भाई जो भी अब आइस को फॉलो करते हैं, एक बार आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कीजिए, और वहां पर ज्यूस जो था देखिए वहां पे अनफॉलो मिलेगा। भाई मेरे ट्विटर के बाद उन्होंने दोबारा उसको फॉलो करवा दिया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जरूर आइस में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है ये आइस नेटवर्क को किसी और को दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे। ये जो पुरानी टीम थी वो शायद आइस से निकल रही है, कोई नई टीम इसको टेक ओवर कर रही है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, मैं तो इस चीज को पूछ रहा था उनसे, उन्होंने मुझे ही ब्लॉक कर दिया। तो भाई अभी मैं भी श्योर नहीं हूं कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो मैंने पूछा उसका मुझे जवाब नहीं मिला इस नेटवर्क से, उल्टा उन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। तो मेरे भाई आप लोग एक बार मुझसे पूछिए कि भाई आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्यों अपडेट नहीं देते, आखिर आपका 5-5 दिन हो जाते हैं आप ट्विटर पर कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं, क्या इस नेटवर्क में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो भाई हिम्मत रखिए, और जो लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि सर आप तो प्रमोशन करते हो इसका उसका, मेरे भाई अगर मैं प्रमोशन करूंगा ना तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इतना खरा खरा नहीं बोलूंगा। आप दूसरों को देख लीजिए प्रमोशन करते हैं लेकिन खरा खरा नहीं बोलते, और मैं खरा खरा बोलता हूं। कल एथिन नेटवर्क को भी बोला, आइस को भी आज बोला, और एक्स ब्लास्ट को तो स्कैम ही बोल के मैंने उनको हमेशा प्रमोट किया कि भाई ये तो स्कैमर है। तो भाई हिम्मत तो करो सच बोलने की। तो भाई ये कहना गलत है कि मैं प्रमोट करता हूं, प्रमोट करूंगा तो भाई मैं कभी किसी को इतना स्ट्रांग नहीं बोलूंगा।
फिर तो आगे लल्लू पच्चू करूंगा उनकी, क्यों, मुझे तो पैसा मिलेगा ना, तो भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किन्हीं अपडेट के साथ, नमस्कार।